समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव मुलायम सिंह यादव की दो बहुओं की टक्कर में बदल सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। अब खबरों की माने तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दाव खेल सकती है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी की ओर से नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी हैं। तमाम नामों पर चर्चा के बीच उन्हें नेताजी की परंपरागत मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी लोकसभा की सीट खाली है। ऐसे में 5 दिसंबर को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को गुरुवार को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। अगर भाजपा ने अपर्णा को प्रत्याशी बना दिया तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की दो बहुओं में उनकी विरासत संभालने का मुकाबला होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कदम उठाया तो फिर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का साथ देंगे। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।